नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का सही समय पर पहचान और उपचार किया जा सके। जिसके लिए सदर अस्पताल सभागार में जिले के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक चिकित्सक और 2 NM को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें 1 से 6 माह तक के कम उम्र के अति कुपोषित बच्चे और 6 माह से 59 माह तक के अति कुपोषित बच्चे के उपचार के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षक डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम और रामनाथ राय द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान और संस्थागत प्रबंधन पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। पश्चिमी सिंहभूम कुपोषित जिला के रूप में जाना जाता है। कुपोषण से लड़ने के लिए जिले में पहले से 5 कुपोषण उपचार केंद्र चलाए जा रहे हैं। 3 दिनों की ट्रेनिंग में हम लोगों ने ये MTC में जो कार्यरत हैं उनको, क्योंकि वो पहले से कार्यरत थे और वो जो अपनी ऑन जॉब ही जो ट्रेनिंग मिल पाई थी उसी से कार्य कर रहे थे, उनकी जानकारी को उनको बढ़ाया गया और अल्टीमेट जो उनकी पूरी जानकारी जो होनी थी प्रशिक्षण संबंधी, ये पूरी जानकारी दी गई। और क्षेत्र में जो विभिन्न प्रखंडों में जो कार्यरत हैं जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और ANMs, उनकी भी ट्रेनिंग की गई, ताकि वो भी जो अपने अपने क्षेत्रों में देख करके जहाँ भी वो कार्य करते हों वहाँ कुपोषित बच्चों की पहचान कर सकें और वहाँ उन पहचान करने के बाद सही जगह पे वो रेफर कर सकें, ताकि जो भी हमारे छूटे हुए बच्चे हैं कुपोषित बच्चे, वो भी हमारे जो कुपोषित कुपोषण उपचार केंद्र हैं उनकी जो नामांकन हुआ जा सके और उनकी उनकी सेवाएं दी जा सके। समाहरण नाले के सामने चैबासा, चक्रधरपुर एवं मझगांव के पत्रकारों, शहर के गणमान्य लोगों और राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शुक्रवार शनिवार की रात TMH हॉस्पिटल जमशेदपुर में इलाज के क्रम में किरीबुरु के वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के जरिए जमशेदपुर से चैबासा होते हुए किरीबुरु ले जाया गया। चैबासा पहुंचने पर यहां के पत्रकारों, गणमान्य लोगों और राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उनकी आत्मा की शांति और परिवार को सहन शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस मौके पर पत्रकारों के अलावा पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा, मनोज लियांगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दिलीप भैया पीछे हट जाइए थोड़ा। और किरीबुरु क्षेत्र में जिस तरह से पत्रकारिता क्षेत्र में काम करना बहुत कठिन, उसके बावजूद भी उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में दूर क्षेत्र का जो भी समस्या है उसको लाने का काम किया और करने का, लेकिन आज बहुत ही दिन है और मैं इस अवसर पर प्रार्थना करना चाहूँगा आत्मा को शांति दे और उस परिवार को सहने का शक्ति दे। बहुत संकट और दुख का समय है। विजय मिश्रा जी बहुत कम उम्र से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे और उन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं को, सारंडा के क्षेत्र के विशेषकर वहाँ के ग्रामीण लोगों की समस्याओं को उजागर करने का हमेशा काम किया और मुझे लगता है कि 35 साल से अधिक का उनका पत्रकारिता जीवन था और कई अखबारों में उन्होंने काम किया। हिंदुस्तान के साथ अभी जुड़े हुए थे और उनकी तबीयत खराब हुई और उनको उचित इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया था। कल रात 1:30 बजे वो हम लोग को छोड़कर चले गए। हम लोग के लिए बहुत दुख का समय है। सबको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही हम लोग कामना करते हैं। जिगपानी प्रखंड टास्क फोर्स की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें MOIC, CDPO, ANM, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, सेविका और सहायिका शामिल थी। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि 18+ के 48% लाभुकों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों का दूसरा डोज नहीं दिया गया है
उन्हें शीघ्र दूसरा डोज से आच्छादित किया जाए। साथ ही 15 से 18 आयु वर्ग के वैसे बच्चे जिन्हें अब तक प्रथम डोज नहीं दिया गया है उन्हें 3 दिनों के भीतर वैक्सीनेशन कराने के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया। चक्रधरपुर अंचल कार्यालय में लंबित समस्याओं के निष्पादन को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन शंकर पांडे ने अंचलाधिकारी रवि जैन से मुलाकात की। अंचलाधिकारी को समस्या की जानकारी देते हुए पवन शंकर पांडे ने कहा कि जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र, जमीन से संबंधित भू स्वामित्व, जमीन हस्तांतरण पंजी 2 में त्रुटि सुधार और ऑफलाइन खातियान और रसीद का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर जनता परेशान है। उन्होंने संबंधित आवेदन का निपटारा तय समय सीमा में किए जाने का अनुरोध किया। चक्रधरपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ अपने कार्यकर्ता और नागरिकों के द्वारा 2-3 समस्या पर ध्यान हमारा आकृष्ट कराया गया था। बहुत नजदीक झारखंड में JSSC की परीक्षा होने वाली है और उसके जो आवेदक आवेदन करता है उनकी जाति प्रमाण पत्र बनने में दिक्कतें हो रही है और जो जमीन संबंधी बातें हैं मालगुजारी रसीद भी कटने में दिक्कत हो रहा, मोटेशन भी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है। इन 2-3 बातों निमित्त मैंने आज चक्रधरपुर के अंचलाधिकारी से मुलाकात किया और इस क्षेत्र की जो समस्याएं मेरे सामने आई थी मैंने उनके सामने रखा। जाति प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत हो रहा, लोगों को आवेदन करना है बच्चों को, इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए कार्रवाई जल्दी हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तत्काल तो जितने जाति प्रमाण पत्र आवेदन आए थे मैंने सबको कर दिया है और जो सामान्य रूप से आ रहे हैं मैं उसे कर रहा हूँ और आज या कल 2-3 दिन के अंदर मैं सारे जाति प्रमाण पत्र को निपटा लूँगा। दूसरा मुद्दा आया था रसीद कटने की, जो ऑनलाइन मालगुजारी रसीद नहीं कट रहा है तो उन्होंने कहा कि मेरी 4 दिन की अभी हुई है पढ़ा रही है, मैं तत्काल इस पर संज्ञान लूँगा, जितना जल्द हो सारे कागजात देखकर मैं इसको करवाना शुरू करवा दूँगा। फिर मोटेशन पर बात हुई, उन्होंने कहा मोटेशन का पेपर थोड़ा देखना होगा, जो जन्मदिन होगा उसे मैं तुरंत करूँगा, थोड़ा समय लगेगा। अच्छी वातावरण में बातें हुई और ऐसा लगा कि पदाधिकारी कार्य में तेजी लाएंगे। मैंने उनको शुभकामनाएं भी दी, उनके आने से ऐसा है कि जनता का काम युद्ध गति से होगा। बढ़ती ठंड को देखते हुए रोटरेक्ट क्लब चाईबासा की ओर से शनिवार को खुटपानी प्रखंड के दोपाई पंचायत के चुरुगुई मैदान में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान SR उंटा ग्रुप के प्रायोजित 120 कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष निशांत कुमार, सचिव अक्षय कुमार गुप्ता, अजीत अशोक मुंडारी, बेंगो बोदरा के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने LLB का ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। इसके तहत विद्यार्थी कोल्हान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31 जनवरी से 15 फरवरी 2022 तक निर्धारित की गई है। LLB सत्र 2021-24 के लिए कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के द्वारा 120 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें प्रवेश के लिए 1 घंटे की परीक्षा जमशेदपुर में होगी। आवेदन करने के लिए सामान्य और OBC के विद्यार्थियों के पास स्नातक की 45% और SC/ST के विद्यार्थियों के लिए 40% अंक होना अनिवार्य है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।